तो बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन देने की बात कह दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सपा का कांग्रेस को समर्थन का ऐलान है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी समर्थन की घोषणा कर दी है। एमपी में कांग्रेस को समर्थन देगी समाजवादी पार्टी, ट्वीट कर समाजवादी प्रमुख ने यह ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। जब चुनाव की बात आई थी उस समय सरगर्मियां तेज थी, बीएसपी ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब बीएसपी भी समर्थन देने की बात कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम अब कांग्रेस का इंतजार नहीं करेंगे, हमने इंतजार किया, कांग्रेस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, जिस वजह से हम अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब जब नतीजे सामने हैं तो दोनों पार्टियां समर्थन देने की बात कर रही हैं कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करती है। ये ट्वीट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का ये ट्वीट है जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करती है। मध्य प्रदेश के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ को बधाई दी है। कहा है कि संख्या बल में हम पीछे रह गए हैं, हम सरकार बनाने का बिल्कुल दावा नहीं करते हैं, सरकार धन्यवाद दिया है कमलनाथ को और कांग्रेस को बधाई भी दी है इस जीत के लिए। उन्होंने कहा सरकार बनाने का हम दावा नहीं कर रहे हैं, बोले संख्या बल में हम पीछे रह गए हैं। साफ तौर पर शिवराज ने हार स्वीकार की है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है और कमलनाथ को जीत की बधाई दी है। इस्तीफा देकर आया हूं, पराजय की जिम्मेदारी मेरी मेरी और सिर्फ मेरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का भरपूर प्यार भी मिला, वोट भी थोड़े ज्यादा मिल गए, लेकिन संख्या बल में हम पीछे रह गए और इसलिए हमने फैसला किया कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। और कमलनाथ जी को मैंने शुभकामनाएं दी है, बधाइयां दी है, धन्यवाद। भाई साहब, भाई साहब, तो साफ तौर पर जिस तरह से नतीजे आए, रुझान जो कह रहे थे कभी टक्कर चल रही थी, सुबह से जब रुझान आने शुरू हुए तो उसके बाद कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, सबकी धड़कनें बढ़ी थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो 115 पर आकर कांग्रेस टिक गई और 107 पर आकर बीजेपी। तो साफ तौर पर एक सीट से रह रही थी कांग्रेस, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 116 का है, 115 पर कांग्रेस आकर टिक गई। अब उसके बाद से जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है वो सबके सामने है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां जब शुरू हुई थी, लग रहा था चुनाव लड़ना है, हो रहा था कि गठबंधन के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी, कांग्रेस के साथ बसपा भी रहेगी, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी अकेले अकेले सारी पार्टियों ने चुनाव, लेकिन अब समर्थन की बात समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों कर रही है। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ललित नारायण। ललित, क्या देखा जा रहा है, किस तरह से अब समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों समर्थन में उतर आई है रिजल्ट देखकर? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से नतीजे आए हैं तीन राज्यों के, कांग्रेस ने ये पूरी जो सीरीज है वो 3-0 से जीत ली है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था, सपा और बसपा का अपने आप और एक तरह से कहा जाए कि खुद सामने आकर ये कहना कि वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए 2019 की जो भूमिका है उसको सामने रखकर देखा जा सकता है कि आखिर किस तरह से जो महागठबंधन बनाने की तैयारी चल रही थी कांग्रेस की, लेकिन वो लगातार हार रही थी तो उससे उसको बल नहीं मिल रहा था, कोई भी राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन इस जीत के बाद कहीं ना कहीं सोचने का परिदृश्य बदला है और वही स्थिति जो है अब वो एमपी में देखने को मिल रही है कि वहां पर सपा और बसपा ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, तो अब वहां पर बीजेपी कांग्रेस की जो सरकार है
वो आसानी से बन पाएगी। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कमलनाथ को बधाई दी है कि आपने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसके लिए बहुत बधाई। तो कुल मिलाकर जो है राजनीतिक सिनारियो जो है वो आदित्य धीरे धीरे बदल रहा है जी। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो क्या अब सवाल इस पर भी उठते हैं कि महागठबंधन की जो तस्वीर 2019 के लोकसभा चुनाव में पेश होगी तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि आसार दिख रहे हैं। देखिए ये जो सवाल है ये अपने आप में थोड़ा एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर हमें तीनों पार्टियों के नंबर्स पर सवाल देखना होगा। जिस तरह से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, उसके बाद बसपा भी वहां पर दो सीटें लेकर आई है और सपा एक सीट लेकर आई है। तो ये जो पूरा समीकरण है ये बता रहा है कि बसपा की मौजूदगी छत्तीसगढ़ में भी रही है, बसपा की मौजूदगी राजस्थान में भी रही है और बसपा की मौजूदगी कई राज्यों में है। तो यानी बसपा की जो स्वीकार्यता है और जो एक तरह से वोट बैंक है वो लगभग हर राज्य में उनका वोट बैंक मौजूद है। तो ऐसे में अब जो उत्तर प्रदेश को लेकर बिसात बिछेगी, क्योंकि अब इस चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं है, सीधे लोकसभा का चुनाव होना है, तो मुझे ये लगता है कि मायावती की जो पोजीशन होगी बार्गेनिंग करने की वो ज्यादा स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं सपा को इस पूरे मामले में। आप हमारे साथ बने रहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आदेश दिया है और शिवराज सिंह जी ने जो कहा था मैं कहूंगा माफ करिए शिवराज जी, अब आया है जनता का राज, यही जवाब है और जनादेश जनता का सिर माथे लेकर उनके आशाओं और अभिलाषाओं पर हम लोग उतर। देखिए मेरा लक्ष्य एक ही था और वो था कि इस भ्रष्ट शिष्टाचार अत्याचार की सरकार को हम उखाड़ के फेंकें। जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली है, कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो सिर माथे है। हम सबको एक साथ मिलकर जनता की आशाओं और अभिलाषाओं को पर खड़े उतर कर उन्हें पूर्ण करनी है, यही हमारा संकल्प है। कौन कह रहा है कि मेजॉरिटी नहीं है? हमारी स्पष्ट मत है नहीं नहीं, निर्दलीय हमारे साथ हैं, बीएसपी हमारे साथ है, समाजवादी हमारे साथ है। कब तक जी जो इबारत लिखी गई है जनता की, कब तक उसको नहीं पहचानेंगे? हम तो उनको कोशिश कर रहे थे पिछले 5 साल से समझाने के लिए, अब तो समझ लें। कल तो बड़े वादे कर रहे थे कि अब की बार 200 पार, अगर पांच राज्य, अरे एक मिनट भैया, अगर पांच राज्यों के सारे भाजपा के सीट को भी हम टोटल कर लें तब भी पांचों राज्यों को मिलाकर 200 पार नहीं कर पाई है भाजपा। तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पांचों राज्यों की सीट देख लो आप, तभी भी 200 पार नहीं कर पाई है। तो थोड़ा अहंकार छोड़ के जमीन पकड़ के ललित, तो साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहना है, लेकिन कांग्रेस के लिए अब एक अग्नि परीक्षा है कि मुख्यमंत्री किसे चुने। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है उसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है कांग्रेस के सामने। कल राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह की ये स्वीकार्यता तय हो चुकी है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब वो राजस्थान में अशोक गहलोत या सचिन पायलट बनेंगे या फिर यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर कमलनाथ बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो है अभी फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं होने जा रहा है। तो और विधायक दल की बैठक चल रही है इस वक्त राजस्थान में और इसके बाद 1 बजे एमपी में होनी है और 8 बजे रात को छत्तीसगढ़ में होनी है। तो कुल मिलाकर आज रात तक जो है तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी बहुत शुक्रिया ललित आपका। तो साफ तौर पर स्थितियां क्या होंगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर भी चर्चा विधायक दल की बैठक बात होगी।